अग्रवाल जी, इस समय बाज़ार में हम थोड़ा काफ़ी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स को हमने देखा पहले लगभग 39,000 तक पहुंच गया, फिर वापस एक हफ्ते के अंदर ही हमने देखा 37,000 के आसपास आ गया, 37,300 तक। ये जो इतना उतार चढ़ाव चल रहा है इस समय बाज़ार में, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये उतार चढ़ाव तो स्टॉक मार्केट के एक इंटीग्रल पार्ट है, बट अभी जो सबसे बड़ा रीजन जो वॉलेटिलिटी का है वो है करेंसी। जो इंडिया की अभी करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, और हमने देखा है कि वो डेप्रिशिएशन पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी तेज़ी से हुआ है। और डेप्रिशिएशन के पीछे जो एक कारण है वो एक्सटर्नल ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, बल्कि ये लग रहा है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। यही बात जेटली जी ने कही, उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, ये आप कैसे देखते हैं कि एक कप खाली है, आधा खाली है ग्लास या आधा भरा हुआ है? क्योंकि जब अगर ये रुपी डेप्रिशिएट होता अपने इंटरनल कारण की वजह से, तो हम इसको बोलते हैं कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। बट चूंकि डॉलर जो है सभी करेंसी के अगेंस्ट बढ़ रही है, और अगर हम रुपी का देखें तो बाकी करेंसी के मुकाबले में जो रिलेटिव वैल्यू, अगर हम 3 साल का भी देखें तो डॉलर बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। अगर 3 साल की हम देखें कि 3 साल के अंदर डॉलर के अगेंस्ट रुपी और बाकी जो डॉलर के अगेंस्ट बाकी करेंसी के अंदर जो गिरावट आई है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो हम देखेंगे कि रुपया काफ़ी और करेंसीज़ के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अभी तो ये सामने है कि डॉलर के अगेंस्ट इंडिया का रुपी गिर रहा है, और ये जो गिरने की वजह है वो एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल भी क्यों गिर रहा है, उसकी वजह ट्रेड वॉर है, करेंसी वॉर है, और जो क्रूड के प्राइसेस हैं, जो इंटरनेशनली हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं क्रूड के, और हमारा सीधा सीधा उसका रिलेशनशिप है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट उससे बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो सेंटीमेंट मार्केट का है वो अभी भी काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई अभी किसी टाइप का डेंट नहीं है सेंटीमेंट के अंदर। और जो आउटलुक है, अभी आप किसी से भी बात करेंगे, वो आउटलुक इंडियन स्टॉक मार्केट का काफ़ी पॉजिटिव है। तो अभी जो पिछले हफ्ते हमने देखा कि 37,300 के आसपास तक सेंसेक्स आया नीचे, उसके बाद फिर बड़ी तेज़ी से 2 दिन में 300-400 अंक सेंसेक्स ने चढ़े, और वापस अब ये 38,000 के ऊपर आ गया है। तो क्या ये माना जाए कि जो एक घबराहट वाली एक तलहटी बनती है, यानी एक पैनिक बॉटम बनता है, वो बन गया और अब फिर बाज़ार ऊपर जा रहा है, या अभी उतार चढ़ाव का खतरा बना रहेगा? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी कोई पैनिक स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है। अगर पैनिक अगर कोई है तो वो करेंसी मार्केट में है। जहाँ तक मार्केट की बात है, ये उतार चढ़ाव तो इसका इंटीग्रल पार्ट है, और अभी हमने जो देखा, अभी मार्केट और भी गिर सकता है, क्योंकि ये गिरना बढ़ना एक जो शॉर्ट टर्म में होता है, ये बड़े शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं। अगर कल को करेंसी मान लीजिए किसी वजह से फिर गिर जाती है, और एक बार के लिए मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 73 रुपये या 74 रुपये आ जाती है, तो इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में वापस हमें देखने को मिले। बट मेरा फिर भी मानना है कि पहले ये कि जो रुपी के जो एक पैनिक है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लगता है, क्योंकि फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट नहीं करते। और दूसरा, अगर रुपी कहीं पे भी है, ये वॉलेटिलिटी जब ख़त्म हो जाएगी, वो भले ही वो 70 रुपये पे सेटल हो या 71 के लेवल पे सेटल हो, बट ये वॉलेटिलिटी होती है, ये ज़्यादा ख़राब है। जब ये वॉलेटिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी, और मार्केट मेरे हिसाब से इंडिया का जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और आउटलुक इसका बहुत पॉजिटिव है, अगर हम 3 साल के या 5 साल के होराइजन से देखते हैं। तो जैसा आपने कहा कि करेंसी में भी रुपए में और कमज़ोरी आ सकती है, तो वैसी हालत में आप सेंसेक्स को नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गिरता हुआ देख सकते हैं? अगर मान लीजिए कल को बहुत ज़्यादा कोई पैनिक भी आता है करेंसी मार्केट में, तो मुझे लगता है कि सेंसेक्स बहुत ज़्यादा 1,000 पॉइंट से लेकर 2,000 पॉइंट तक मैक्सिमम गिर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा अभी जो इंडिया के अंदर फैक्टर है, हमारा मार्केट FPIs पे पहले जो डिपेंडेंट रहता था, वो अब उतना डिपेंडेंट नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक रेगुलर फ्लो आ रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और जो SIP है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। लगभग 6,000 से 7,500 करोड़ रुपया हर महीने म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है SIP के थ्रू। और जैसे हमने अभी देखा कि म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है वो इतना बढ़ गया है कि 25 लाख करोड़ का ज़्यादा AUM हो गया है, और इसमें लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारे मार्केट को काफ़ी स्टेबिलिटी देती है।
और पहले जो मार्केट हमारा एक एफपीआई पे हम डिपेंड बोलते थे कि अगर एफपीआई खरीदेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, एफपीआई बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा, ये ट्रेंड अब बिल्कुल रिवर्स हो गया है। हमने पिछले कई महीनों में देखा है जब एफपीआई ने माल बेचा उसके बावजूद भी हमारा मार्केट नहीं गिरा, बल्कि कई ऐसे दिन थे जब मार्केट बढ़ता था। अभी तो एफपीआई ने जितनी बिकवाली की है, अगर उतनी बिकवाली सामान्य स्थिति में पहले 2-3 साल पहले की स्थिति में हुई होती तो बाजार में काफ़ी घबराहट मच गई होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अभी अब वो जो घबराहट वाली बात होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक ऐसा लेवल जिसके टूटने की आशंका आपको बिल्कुल नहीं हो कि भाई इसके नीचे तो नहीं जा सकता सेंसेक्स, वो स्तर कौन सा है जिस पर आपको भरोसा बनता है? देखिए ये जो टेक्निकल लेवल्स हैं ये एक अलग चीज़ है, बट फंडामेंटली मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई भी लेवल मार्केट में अगर नीचे आते हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और लेवल्स अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट के ऊपर, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट गिरता है तो कोई भी लेवल अगर ये आते हैं, हर मार्केट हर लेवल गिरने पे अब स्टैगर्ड वे में ये एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की, और एक इन्वेस्टर को इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा मार्केट एक अच्छी बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अग्रवाल जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए।